बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। पिछले लेक्चर में हमने इंटरनेट के फीचर्स के टॉपिक का आगाज किया था। इसके अंदर हमने इंटरनेट के कई तरह के फीचर्स और यूजेस जैसे कि टेलनेट, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इंट्रानेट, एक्स्ट्रानेट, चैटिंग वगैरह की डिटेल्स देखी थी। आज के लेक्चर में हम इंटरनेट के एक बहुत अहम फीचर ईमेल के बारे में जानकारी हासिल करेंगे कि ये होता क्या है, क्यों यूज किया जाता है और इसके क्या क्या फायदे और नुकसान हैं। तो दोस्तों, पहले हम एक मुल्क से दूसरे मुल्क में या फिर एक शहर से दूसरे शहर में रابطہ कायम करने के लिए खतों का इस्तेमाल करते थे, लेकिन उन खतों को पहुंचाने में कई कई दिन लग जाते थे। तो इसीलिए बनाया गया ईमेल सिस्टम। ईमेल मुखफ्फिफ है इलेक्ट्रॉनिक मेल का, ये भी इलेक्ट्रॉनिक वर्जन है खत का, लेकिन इसमें हम कीबोर्ड से टाइप करके मैसेजेस को लिखते हैं और ये पोस्टमैन के बजाय इंटरनेट के जरिए एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता है। तो डियर फ्रेंड्स, ईमेल क्या है? ये एक प्रोसेस है मैसेजेस को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में भेजने का ओवर द इंटरनेट, यानी इंटरनेट के जरिए। अब वो दूसरा कंप्यूटर एक बिल्डिंग में भी हो सकता है और दुनिया में कहीं भी हो सकता है, लेकिन मैसेजेस को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए आपके पास कुछ चीजों का होना जरूरी है। वो चीजें क्या हैं? पहली चीज है इंटरनेट, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, वो कंप्यूटर, मोबाइल फोन, टैबलेट वगैरह या कुछ भी हो सकता है। और तीसरी चीज है ईमेल सॉफ्टवेयर जैसे कि याहू, जीमेल वगैरह। ये तमाम चीजें सेंडर और रिसीवर के पास होंगी तभी ईमेल सिस्टम प्रॉपर्ली वर्क करेगा। ये टेलीफोन की तरह नहीं होती कि जैसे ही फोन आया तो आपको रिसीव करना ही पड़ेगा, बल्कि एक बार आपके पास ईमेल आ गई तो आप जब चाहें उसको पढ़ सकते हैं। साथ साथ इसमें एक ही ईमेल को कई लोगों को एक साथ भेजी जा सकती है, जिसकी वजह से आपका टाइम भी बच सकता है। दोस्तों, इसके जरिए सिर्फ टेक्स्ट मैसेजेस ही नहीं, बल्कि आप पिक्चर्स, वीडियोस, ऑडियोस यानी हर किस्म का डाटा घर बैठे दुनिया के किसी भी कोने में भेज सकते हैं। आइए इसके एडवांटेजेस को देखते हैं। इसका सबसे पहला एडवांटेज है इट्स फास्ट। दोस्तों, ये सबसे ज्यादा तेज तरीन तरीकेकार है मैसेजेस को सेंड करने का। इसमें ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 सेकंड्स में मैसेज रिसीवर को मिल जाता है। रिसीवर चाहे सेंडर की बिल्डिंग में मौजूद हो या दुनिया के किसी भी कोने में, दोनों जगह पर ईमेल उतनी ही तेजी के साथ पहुंचेगा। मींस फिजिकल लोकेशन, डिस्टेंस और ज्योग्राफिकल लोकेशन डज नॉट इफेक्ट ईमेल्स। तो दोस्तों, इसके बाद जो ईमेल का अगला एडवांटेज है वो है इट्स इजी। दोस्तों, ये तेज तरीन होने के साथ साथ बहुत आसान तरीकेकार है। एक बार आप ईमेल करने का मेथड सीख लें, फिर चाहे वो 2 लाइन का मैसेज हो या फिर 2 MB की वीडियो, तमाम डाटा और मैसेजेस एक ही तरीके से ईमेल किए जाएंगे। जिस तरह आपके मोबाइल में मैसेजेस आते हैं, आपका दिल चाहता है तो रिप्लाई देते हैं, अदरवाइज डिलीट कर देते हैं, बिल्कुल ऐसे ही ईमेल के लिए भी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। इसमें भी आप ईमेल को रीड कर सकते हैं, रिप्लाई कर सकते हैं, हत्ता के रिसीव हुई भी ईमेल को आगे भेज भी सकते हैं, जिसे फॉरवर्डिंग भी कहा जाता है। इसीलिए ये एक आसान और सिंपल वे है मैसेजेस को सेंड करने का। इसके बाद इसका अगला एडवांटेज है इट्स अवेलेबल। दोस्तों, ईमेल सर्विस पूरी दुनिया में मौजूद है। इसके लिए जरूरी नहीं कि रिसीवर के कंप्यूटर ऑन होगा तभी सेंडर उसको ईमेल सेंड कर सकेगा, बल्कि सेंडर यानी आप जब चाहें ईमेल कर सकते हैं, और अगर रिसीवर का कंप्यूटर ऑफ भी है तो वो ईमेल उसके ईमेल सर्वर में जाकर सेव हो जाती है, यानी इट्स अवेलेबल एनी टाइम। इसके बाद इसका अगला एडवांटेज है इट्स चीप। दोस्तों, ईमेल भेजने के लिए आपको अलग-अलग से कोई फीस पे नहीं करनी होती, बल्कि सिर्फ आपको अपने इंटरनेट बिलिंग के जरिए ही
ईमेल की फैसिलिटी भी मिल जाती है। इसीलिए ये सस्ता तरीन तरीकेकार है अपनी फैमिली, फ्रेंड्स और कोलीग से रابطे में रहने का, चाहे वो लोग वर्ल्ड में कहीं भी मौजूद हों। के बाद इसका अगला एडवांटेज है, इट्स फ्लेक्सिबल। दोस्तों इसका एक बड़ा एडवांटेज ये भी है कि ये टेलीफोन की तरह नहीं है जैसे फोन बार बार रिंग करता है और आप कोई भी काम कर रहे हैं जब तक फोन रिसीव नहीं कर लेते वो स्टॉप नहीं होगा, जिसकी वजह से आपके कामों में खलल आएगा। जबकि ईमेल के जरिए आप इंटरप्ट नहीं होते, ये एक छोटे से मेल बॉक्स में आकर सेव होती रहती है, चाहे हजारों ईमेल्स एक साथ ही क्यों ना आ जाएं, और फिर जब आप अपने कामों से फारिग हो जाएं, तो वो ईमेल बॉक्स खोलकर आप उन तमाम ईमेल्स को रीड कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप एक मैसेज को एक वक्त में एक साथ हजारों लोगों को भी सेंड कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप इसकी फ्लेक्सिबिलिटी का अंदाजा लगा सकते हैं। के बाद इसका अगला एडवांटेज है, इट्स सेफ, यानी ये एक महफूज तरीन तरीकेकार है। दोस्तों जिस तरह आपको खत भेजना होता है और आपको उसका एड्रेस उस खत पर लिखना लाजमी होता है, तभी वो खत उसके पास पहुंच सकता है। बिल्कुल ऐसे ही ईमेल भेजने के लिए भी सेंडर और रिसीवर को एक एड्रेस दिया जाता है जो कि ईमेल एड्रेस कहलाता है। दोस्तों जिसके जरिए आपको पता लग जाता है कि ये किसका मैसेज है, किसने भेजा है, और जिसको आपको मैसेज भेजना होता है उसका एड्रेस भी आपके पास मौजूद होना जरूरी है। तो ईमेल सिस्टम एड्रेसेस के बिना पर काम करता है, इसीलिए ये बहुत ज्यादा सिक्योर होता है। ये एड्रेस क्या है, कैसे बनाए जाते हैं, इनकी डिटेल्स आपकी बुक के चैप्टर नंबर 10 में मौजूद है, तो हम वहां पर इसकी डिटेल्स देखेंगे। दोस्तों जिस तरह जिन चीजों के बहुत से फायदे होते हैं वहीं उनके कुछ नुकसान भी होते हैं, तो ईमेल के भी कुछ नुकसान हैं, लेकिन ये उसके फवायद की निस्बत बहुत कम है। आइए इनको बारी बारी देखते हैं। इंटरनेट फैसिलिटी, दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसके लिए इंटरनेट फैसिलिटी होना जरूरी है, तो जिन एरियाज में इंटरनेट नहीं है वहां आप ईमेल्स भी नहीं कर सकते। इसके बाद इसका अगला नुकसान है, टाइम टेकन। दोस्तों जिसके पास भी आपका ईमेल एड्रेस मौजूद होगा वो आपको ईमेल कर सकता है। अब वो ईमेल काम की भी हो सकती हैं और बेकार भी, तो ऐसे में अगर आपके ईमेल बॉक्स में हजारों ईमेल्स आ गई तो आपको तमाम को रीड करने के बाद ही पता लग सकता है कि कौन सी बेनिफिशियल है और कौन सी नहीं, जिसके लिए बहुत सा वक्त दरकार होगा, जिसके जरिए आपका टाइम भी बहुत ज्यादा वेस्ट हो सकता है। के बाद इसका अगला डिसएडवांटेज है, वायरसेस। दोस्तों वायरस का नाम तो आपने पहले भी सुना होगा, अगर नहीं सुना तो इसकी भी डिटेल्स आगे के चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे। बस अभी के लिए ये जान ले कि ये एक ऐसी फाइल्स होती हैं जो कि आपके कंप्यूटर को खराब कर सकती हैं, और आमतौर पर ईमेल्स के जरिए आपके कंप्यूटर में वायरस आने के चांसेस होते हैं, और वायरस विच कैन हार्म योर कंप्यूटर इजी। तो दोस्तों इसके बाद इसका अगला डिसएडवांटेज है, सिक्योरिटी। दोस्तों ये बहुत ज्यादा सिक्योर नहीं है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जिसके पास भी आपका ईमेल एड्रेस मौजूद होगा वो आपको ईमेल कर सकता है। तो इसी तरह ईमेल एड्रेस के जरिए हैकिंग करना भी बहुत इजी होता है, इसीलिए ये बहुत ज्यादा महफूज तरीकेकार नहीं है। इसका अगला डिसएडवांटेज है, नो रिकॉलिंग। तो दोस्तों अगर आपने गलत ईमेल एड्रेस डाल दिया, चाहे वो एक अल्फाबेट की गलती क्यों ना हो, तो आपका भेजा हुआ मैसेज दोबारा वापस नहीं आ सकता, इसीलिए सही ईमेल एड्रेस टाइप करना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों ये थे ईमेल, उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज। अगले लेक्चर में हम वर्ल्ड वाइड वेब और एब्यूसेस ऑफ इंटरनेट की डिटेल्स देखेंगे।